नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीआर चौधरी। आज 21 सितंबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य शैक्षिक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो राज्य शैक्षिक पुरस्कार नीति 2020 को हरियाणा राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने नक्सलियों से मुकाबला के लिए विशेष पुलिस इकाई की घोषणा की है? तो नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए विशेष पुलिस इकाई की घोषणा करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है। किस राज्य के कौशल विकास निगम ने COVID-19 संकट के दौरान कोर्सरा के साथ साझेदारी की है? तो तमिलनाडु ने इसके साथ साझेदारी की है। किस बैंक ने नई स्वर्ण ऋण योजना विकास लागू सुवर्णा शुरू की है? तो सुवर्णा शुरू योजना की है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक द्वारा। किस देश ने बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइबेरिया सरकार द्वारा बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि लाइबेरिया में राष्ट्रीय आपातकाल किस कारण घोषित किया, तो ज़्यादा बलात्कार की वजह से वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। किसने सहकारी भोजन पर टास्क फोर्स गठित की है? तो फसाल ने सहकारी भोजन पर टास्क फोर्स गठित की है। फसाई द्वारा सहकारी भोजन पर टास्क फोर्स गठित की गई है। किस वित्तीय संस्थान ने सुगना फूड्स के साथ $15 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो सुगुना फूड्स के साथ $15 मिलियन का ऋण समझौता है वो एशियाई विकास बैंक ने किया है। केंद्र सरकार ने किस सब्जी की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो भारतीय सरकार द्वारा किस सब्जी की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? तो प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1,350 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई है? तो 1,350 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा है वो जम्मू कश्मीर के लिए की गई है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।